अद्यतन संस्कृत कक्षायां सर्वेषां स्वागतम्। छात्रा अद्य वयम् अष्टम श्रेण्यः रुचिरा पाठ्यपुस्तकस्य द्वितीय पाठः बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता पाठं पठामः। बच्चों आज हम रुचिरा पुस्तक की दूसरी पाठ बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता पाठ पढ़ेंगे। कक्षा सातवीं में हमने पंचतंत्र की एक कथा पढ़ी थी जिसका नाम था दुर्बुद्धि विनश्यति। यह पाठ बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता पाठ भी पंचतंत्र कथा ग्रंथ से लिया गया है। जैसे कि हम जानते हैं पंचतंत्र के रचयिता हैं पंडित विष्णु शर्मा। इस कथा ग्रंथ में पांच तंत्र हैं। तंत्र यानी कि खंड, प्रत्येक खंड को यहाँ तंत्र कहा जाता है। जैसे रामायण के प्रत्येक खंड को कांड, महाभारत के प्रत्येक खंड को पर्व, वैसे ही हर खंड को यहाँ पर तंत्र कहा जाता है। इस पंचतंत्र कथा ग्रंथ के पांच तंत्रों के नाम हैं मित्रभेद, मित्र संप्राप्ति, काकुलिकियम, लब्ध प्रणास और अपरिखित कारक। प्रस्तुत पाठ तृतीय तंत्र काकुलिकम से लिया गया है। तो आइए अब हम इस पाठ को पढ़ते और समझते हैं। कस्मिंश्चित् वने खरः न खरः नाम सिंहः प्रतिवसति स्म, सः कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्तः न किञ्चिदपि आहारं प्राप्तवान्। ततः सूर्यास्तसमये एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा सः अचिन्तयत्, नूनम इतस्याम गुहायाम रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति, अतः अत्रैव निगूढ़ भूत्वा तिष्ठामि इति। एतस्मिन् अंतरे गुहायाः स्वामी दधिपुच्छ नामक शृगालः समागच्छत्। स च यावत् पश्यति तावत् सिंहपद पद्धति गुहायाम प्रविष्ट दृश्यते, न च बहिरागता। शृगालः चिन्तयत्, अहो विनष्टो अस्मि, नूनम अस्मिन् बिले सिंहः अस्ति इति तर्कयामि, तत् किं करवाणि। एवं विचिन्त्य दूरस्थः रवं कर्तुम् आरब्धः, भो बिल भो बिल, किं न स्मरसि यद् मया त्वया सह समयः कृतो अस्ति, यत् यदा अहं बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम् आकरिष्यसि, यदि त्वं माम् न आहोयसि तर्हि अहं द्वितीयं बिलं यास्यामि इति। अथ एतत् श्रुत्वा सिंहः अचिन्तयत्, नूनमेषा गुहा स्वामिनः सदा समाह्वानं करोति परन्तु मद्भयात् न किञ्चित् वदति, अथवा साध्वीदम् उच्यते, भयसन्त्रस्तमनसां हस्तपादादिकः क्रिया प्रवर्तन्ते न वाणी च बेपथुश्च धिको भवति, तद् अहम् अस्य आह्वानं करोमि। एवं सः बिले प्रविश्य मे भोज्यं प्रभविष्यति। इत्थं विचार्य सिंहः सहसा शृगालस्य आह्वानम् अकरोत्। सिंहस्य उच्चगर्जन प्रतिध्वनिन सा गुहा उच्चैः शृगालम् आह्वयत्। अनेन अन्येऽपि पशवः भयभीताः अभवन्। शृगालोऽपि ततः दूरं पलायमानः इमम् अपठत्, अनागतं यः कुरुते सः शुभति, स सूच्यते यो न करोत्यनागतम्, वने अत्र संस्थस्य समागता जरा बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। तो आइए अब हम पाठ को समझते हैं। पहला पैराग्राफ में क्या कहा गया देख समझते हैं। कस्मिंश्चित् वने खरः न खरः नाम सिंहः प्रतिवसति स्म। कस्मिंश्चित् वने अर्थात किसी वन में, कस्मिंश्चित् वने किसी वन में खरः न खरः नाम सिंहः प्रतिवसति स्म, अर्थात कस्मिंश्चित् वने एकः सिंह आसीत् यस्य नाम आसीत् खरः न खरः। किसी वन में एक सिंह रहता था जिसका नाम था खर न खर, समझे। सह कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्थ न किञ्चिदपि आहारं प्राप्तवान्। सह यानी वह यानी कौन,
सिंह यानी खर्नकर किसी दिन इधर उधर घूम फिर कर परिभ्रमण घूमते घूमते क्षुधार्तः न किंचिदपि आहारम प्राप्तवान, वो भूखा हो गया और न किंचिदपि, किंचित अपि को मिलाकर होता है किंचिदपि, कुछ भी वो खाने के लिए नहीं पाया। न किंचिदपि आहारम प्राप्तवान, प्राप्तवान अर्थात पाया, यहाँ पर क्तवतु प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। जैसे क्रु के साथ क्तवतु प्रत्यय मिलने से कृतवान होता है, ठीक है, ठीक वैसे ही यहाँ पर प्राप्तवान हुआ है। ततः सूर्यास्त समये एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा सः अचिन्तयत्, वो तो भूखा था, इधर उधर घूम पर वो भूखा था, तो जब सूर्यास्त का समय हुआ, सूर्यास्त समये, सूर्यास्तस्य समये सः भ्रमित्वा भ्रमित्वा भ्रमणं कृत्वा एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा अचिन्तयत्, वो घूम घूम कर सूर्यास्त के समय पर एक बहुत बड़ी गुफा, महती गुहाम यानी गुफा, गुहाम का मतलब होता है गुफा, बहुत बड़ी गुफा देखकर सह अचिंतयत, वो सोचता है, वो चिंता करता है, चिंता मतलब यहाँ पर सोचना, ठीक है, वो सोचता है नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति, अस्याम गुहायाम रात्रौ नूनम निश्चयम, इस गुफा पर निश्चय ही रात को कोई जीव कोई प्राणी आता होगा, आता है, अतः अत्रैव निगड़ो भूत्वा तिष्ठामि, इसीलिए मैं यहाँ पर अत्रैव अत्र युक्त एव अत्रैव निगड़ो निगूढ़ भूत्वा, निगूढ़ भूत्वा का मतलब होता है निगूढ़ रहकर यानी छिपकर, तिष्ठामि रहूँगा, यानी सिंह क्या सोचता है, वो जब शाम को घूमते घूमते शाम हो जाता है, सूर्यास्त का समय हो जाता है, तभी वो एक बहुत बड़ी गुफा को देखता है, गुफा को देखकर वो सोचता है कि जरूर इस गुफा में कोई जीव रात को आता होगा, यहाँ पर मैं छिप कर रहता हूँ, जब वो आएगा उसे पकड़कर मारकर खाऊंगा और अपना क्षुधा अपना भूख मिटाऊंगा, ये सोचकर वो वहाँ पर छिप कर रहता है। फिर क्या होता है देखते हैं, एतस्मिन् अंतरे गुहायाः स्वामी दधिपुच्छ नामकः शृगालः समागच्छत्, एतस्मिन् अंतरे अस्य अनंतरम् इसके बाद गुहायाः स्वामी, गुहायाः स्वामी गुफा का स्वामी, स्वामी यानी मालिक यानी उस गुफा में जो रहता है, कौन रहता है, गुहायाः स्वामी दधिपुच्छ नामकः शृगालः समागच्छत्, उस गुफा का स्वामी था दधिपुच्छ नाम का एक श्रृगाल, श्रृगाल मतलब सियार, गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम श्रृगाल वहां पर समागच्छत, सम आगच्छत, यहां पर सम उपसर्ग है, आगच्छत क्रिया है, तो समागच्छत यानी आप पहुंचा, कौन आप पहुंचा, गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का एक सियार, दधिपुच्छ नाम का श्रृगाल तत्र समागच्छत्, स च यावत् पश्यति तावत् सिंहपद पद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते, स च यावत् पश्यति वो, और जब वो आता है, यावत् पश्यति जब वो देखता है, किम पश्यति तावत् सिंहपद पद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते, जब वो देखता है सिंहस्य पद पद्धति सिंह के पैरों के निशान गुहायां प्रविष्टा दृश्यते, गुहायाम प्रविष्ट दृश्यते अर्थात गुफा के अंदर जाता हुआ दिख रहा है, प्रविष्ट दृश्यते स पश्यति सिंहस्य पद पद्धति गुहायाम गच्छति न च बहिरागता, बाहर नहीं आ रहा, यानी सिंह का जो पैरों के निशान है, सिंह के पैरों के निशान गुफा के अंदर जाए गए हैं लेकिन वो बाहर नहीं आए हैं, बहिरागता यानी बाहर नहीं निकले, बहि प्लस आगता बहिरागता होता है। श्रृगाल अचिंतयत अहो विनष्टो अस्मि, तभी सियार सोचता है, वो सोचने लगता है, सह अचिंतयत क्या सोचता है, अहो विनष्टोमि अरे मैं तो विनाश को प्राप्त होऊंगा, मेरा मृत्यु सुनिश्चित है, विनष्टो अस्मि मेरा विनाश होने वाला है, नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्तीति तर्कयामि, नूनम अस्मिन् बिले निश्चय ही इस बिल पर, बिल मतलब गुफा, अस्मिन् बिले इस गुफा में
सिंघा अस्तीति, शेर यहाँ पर सिंह का मतलब सिंह ही होता है लायन, तो सिंह अस्तीति सिंह है, ये मैं तर्कयामी मैं तर्क कर रहा हूँ मैं सोच रहा हूँ, अस्ति इति अस्ति युक्त इति मिलने से अस्तिति होता है। तो जब कुछ समय बाद गुफा का स्वामी दधिपुच्छ सियार जब अपने गुफा के पास आता है वो देखता है कि सिंह के पैरों के निशान कहाँ गए हैं, गुफा के अंदर गए हैं लेकिन बाहर नहीं आए। सियार स्वभाव से चालाक होता है तो वो सोचता है अरे मैं तो आज मरूंगा, क्यों, क्योंकि सिंह का जो पैरों सिंह के जो पद पत्थर के निशान हैं पैरों के निशान हैं वो गुफा के अंदर गए हैं लेकिन बाहर नहीं आए, इसलिए मुझे लगता है कि जरूर बिल के अंदर गुफा के अंदर सिंह मौजूद है अभी भी है। तत् किम करवाणी, तो मैं क्या करूँगा, तत् किम करवाणी मुझे क्या करना चाहिए। एवं विचिन्त्य दुरस्तः रब्बम कर्तुम आरब्ध, एवं विचिन्त्य ऐसा सोचकर वो दुरस्तः दूर से ही रवम कर्तुम आरब्ध अपना राव करना शुरू कर दिया, कर्तुम आरब्ध ऐसा वो सोचकर दूर से ही दुरस्तः दूर से ही शोर करना यानी उसका जो आवाज होता है जो रब होता है वो करना शुरू कर देता है और क्या बोलता है, भो बिल किम न स्मरसी यन्मया त्वया सह समय कृतो अस्ति यत यदा अहम बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वम आकरिष्यसि। भो बिल हे बिल हे गुफा किम न स्मरसी त्वम किम न स्मरसी, तुम क्या नहीं याद कर रहे, स्मरसी यानी स्मरण करना, तुम्हें स्मरण नहीं हो रहा है क्या, क्या स्मरण नहीं हो रहा है बोल रहा है, यत मया त्वया सह यत मया यत युक्त मया को मिलाने से होता है यत मया त्वया सह तुम्हारे साथ सह समय कृतो अस्ति, समय यहाँ पर समय का मतलब होता है संधि कृता अस्ति, समय का मतलब होता है संधि, हमारे बीच में तुम्हारा और तुम्हारे और मेरे बीच में जो संधि किया गया था समय किया गया था, यहाँ पर समय का मतलब टाइम नहीं संधि होता है। यत मया त्वया सह समय कृतो अस्ति, हम दोनों के बीच जो एक संधि हुआ था, यत क्या संधि हुआ था, यत यदा अहम बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि, यत यदा अहम यदा हम यदा और अहम मिलकर होता है यदा हम बाह्यतः यानी बाहर से जब मैं बाहर से प्रत्यागमिष्यामि प्रति आगमिष्यामि लौट आऊँगा, प्रति उपसर्ग है आगमिष्यामि क्रिया है तो बाहर प्रत्यागमिष्यामि का अर्थ होता है लौटना, जब मैं बाहर से लौटूंगा तदा त्वम माम आकरिष्यसि तब तुम मुझे बुलाओगे, आकरिष्यसि यानी बुलाओगे यानी वो बिल से कह रहा है, कौन श्रीगाल सियार कह रहा है अरे बिल क्या तुम्हारे स्मरण में नहीं है कि हम दोनों के बीच तुम्हारे साथ मेरा एक संधि हुआ था कि जब मैं बाहर से लौटूंगा तब तुम मुझे बुलाओगे, यदि त्वम न आहोयसि तरी अहम द्वितीयम बिलम यस्यामि इति, यदि त्वम माम न आहोयसि अगर तुम मुझे नहीं बुलाओगे, आहोयसि बुलाओगे यदि यानी अगर त्वम यानी तुम माम यानी मुझे अगर तुम मुझे न आहोयसि नहीं बुलाओगे तरही तब अहम द्वितीयम बिलम यस्यामि मैं दूसरे बिल को दूसरे गुफा को चला जाऊंगा, ऐसा कौन बोलता है, सियार बोलता है। ठीक है बच्चों आज बस इतना ही, अगला भाग हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, धन्यवाद।